बस यही रीजन है भाई, यही रीजन है, इसकी वजह से मुझे UK07 पसंद नहीं है। मतलब क्या बोलूँ यार, इतना ज्यादा फेक बंदा यार, मैं क्या बता। अगर ये करेंगे अपने UK07 राइडर के बारे में। ये एक इंडियन ब्लॉगर है, सब मोटो ब्लॉगर है, जिनके 70 लाख सब्सक्राइबर है। अब भैया यार ये चीज तुमने नोटिस की होगी कि और ये बहुत लो एफर्ट कंटेंट है, तो इजी भी भाई डालना, ना अच्छी एक्टिंग करनी है, ना स्क्रिप्ट लिखनी है, ना ज्यादा एडिटिंग करनी है, क्योंकि भैया डेली व्लॉग में करना ही क्या है। मैंने टट्टी कर ली है, आज खाने में ये बना है, मैं ये करने जा रहा हूँ, गाड़ी धुल गई है, फलानी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई है, और क्या है। Hey guys, welcome back to my channel. कैसे हो आप लोग? I hope you all are doing great. So, आज की वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं एक रोस्ट वीडियो पे, जो कि है क्रेजी देव भाई के साइड से, एंड इस बार भी द UK07 राइडर का यहाँ पे रोस्ट किया गया है। एंड इसको रोस्ट नहीं बोलेंगे, एक्चुअली इसको बोल सकते हैं आपकी सच्चाई बताई गई है लिटरली, क्योंकि सच्चाई ही अक्सर UK07 के बारे में जो लोग भी वीडियो बनाते हैं यार, वो लोग सच ही बताते हैं कि भाई इस ब्लॉगर के पीछे की कहानी क्या है, मतलब ये कैसा, मतलब लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाता है, तो वो सारी चीज़ें दिखाना तो ये एक तरह से सच बोलना ही हुआ, ये रोस्ट करना बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो मैं इसको रोस्टिंग नहीं बोलूँगी एक तो, एंड दूसरी चीज़ ये है कि भाई इस समय UK07 थोड़ा ज़्यादा चर्चों में आ गया है, क्योंकि यार उसके व्यूज़ कम हो रहे हैं, सुना है कि उसके व्यूज़ कुछ कम हो रहे हैं, लोग काफ़ी हेट दे रहे हैं उसको। सो देखते हैं इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे की क्या कहानी है। आई नो कि बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि UK07 के व्यूज काफी ज्यादा कम हो गए हैं, सिर्फ 7 मिलियन उसका जब कंप्लीट हो गया उसके बाद से उसके व्यूज काफी ज्यादा घट गए हैं। तो शायद उसने कुछ ऐसे कांड किए हैं जिसकी वजह से पब्लिक के सामने उसका असली चेहरा आ गया है अभी, एंड उसके बाद लोगों का रिएक्शन वगैरह जो भी है, लोग अनफॉलो मार रहे हैं एंड बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो देखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें हमें वीडियो में देखने को मिलने वाली है। सो चलो जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू, एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगता है, मेरे चैनल के कंटेंट आपको पसंद है, मैं जिस तरह के कंटेंट आपके लिए लेके आती हूँ आपको अच्छा लगता है, एंड आपकी कोई डिमांड है, हम ऑन डिमांड कंटेंट भी लेके आते हैं, तो अगर आपकी कोई डिमांड है तो कमेंट सेक्शन में अपनी डिमांड लिखना मत भूलना, हम उस वीडियो पे आपके लिए रिएक्शन जरूर से बनाएंगे। अगर कोई रोस्ट वीडियो है तो भी लिख सकते हो, या फिर कोई सॉन्ग है तो भी लिख सकते हो। जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बिकॉज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे को भाई जानना है ये क्या हो रहा है, इसका क्या सनातनी। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइटल में फ्रॉड सनातनी ब्लॉगर, तो सनातन का इससे क्या मतलब हो गया है। मैं इसके, मैं ब्लॉग्स नहीं देखती हूँ तो मुझे नहीं पता होता है कि इसके क्या चल रहा है, एंड यहाँ पे भाई ने किया है रोस्ट, तो भाई का रोस्ट देखना बनता है। तो देखते हैं एक्सपोज द UK07 राइडर, एक्सपोज कितनी बार एक्सपोज होगा भाई, ये मतलब हद है। तो चलो देखते हैं, पुलिस वर्सेस ब्लॉगर भी यहाँ पे थंबनेल के ऊपर लगाया भाई ने, एंड लिटरली उसको बार के पीछे उसको रख दिया है बार के पीछे, तो देखते हैं क्या है सीन। ओके, डिस्क्लेमर, ईयरफोन डाल लो, और हाँ इस वीडियो को एंड तक देखना, और जितने भी मेरे भाई इंदौर से हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था इंदौर में हम 2 दिन में मीटअप करने वाले हैं, तो उसके लिए भाई ईयरफोन लगा लो, ग्रुप बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, तो वहां पे ज्वाइन कर लो, ताकि हम सभी इंदौर के जो भी मेरे भाई हैं हम मिलें, बातचीत करें, ठीक है, वीडियो एंजॉय करो। हेलो जी, मैं इस बंदे के बारे में पहले भी बात कर चुका हूं, लेकिन आज जो भी नई जनता है मैं उन्हें बता दूं कि आज हम बात करेंगे UK07 राइडर के बारे में। ये एक इंडियन ब्लॉगर है, मोटो ब्लॉगर है, जिनके 70 लाख सब्सक्राइबर है। अब भैया यार ये चीज तुमने नोटिस की होगी कि पिछले कुछ टाइम से ना यूट्यूब पे ब्लॉगर्स के सब्सक्राइबर अंडरस्टैंड बढ़ते हैं। अब यार इस चीज के ना यार कई रीजन है, जिसमें से पहला है छपरी ऑडियंस। अब मैं खुद को यार अनबायस्ड बोलता हूँ तो इनकी सारी नहीं, लेकिन 80% जो ऑडियंस होती है वो छपरी होती है, जिन लोगों को कोई काम धंधा नहीं है, बस पूरे दिन इंटरनेट पे कचरा कंज्यूम करना है। दूसरा कि ये वीडियोस बहुत ज्यादा अपलोड करते हैं, क्योंकि डेली अपलोड करते हैं, और ये बहुत लो एफर्ट कंटेंट है, तो इजी भी भाई डालना, ना अच्छी एक्टिंग करनी है, ना स्क्रिप्ट लिखनी है, ना ज्यादा एडिटिंग करनी है, क्योंकि भैया डेली व्लॉग में करना ही क्या है। मैंने टट्टी कर ली है, आज खाने में ये बना है, मैं ये करने जा रहा हूँ, गाड़ी धुल गई है, फलानी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई है, और क्या है। और तीसरा और सबसे घटिया रीजन इनकी क्लिकबेट, और बच्चे डेली देख रहे हैं, खाना खाते खाते ब्लॉग्स देख रहे हैं कि मेरी महंगी कार, मेरी महंगी बाइक, मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई, फलानी चीज हो गई, और हाँ बहुत ही ज्यादा क्लिकी टॉपिक्स की, जैसे पुलिस ने पकड़ लिया, कार क्रेश हो गई, एक्सीडेंट हो गया, अरे भैया मेरी मम्मी का बॉयफ्रेंड पकड़ा गया। और एक मिनट, मैं ये नहीं कहता कि भैया ये गलत है, क्योंकि एट द एंड यूट्यूब पे नंबर्स ही मैटर करते हैं यार। अब जैसे कि मैं बना रहा हूँ क्वालिटी कंटेंट, तो मेरे को लग जाते हैं 10 दिन
लेकिन तुम लोग तो साला सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो अब एंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब करो यार, क्लिकबेट करके चेक मारो। लेकिन भाई ऐसे नहीं बोलना चाहिए यार, ये मम्मी के बॉयफ्रेंड कुछ रीजंस की वजह से। ओह नो, ब्रेकिंग ट्रैफिक पुलिस। अब बेबू भैया के 70 लाख सब्सक्राइबर है, तो जब भी ये मीटअप करते हैं सड़कों पे भीड़ लग जाती है, चाहे उसकी वजह से कोई एम्बुलेंस लेट हो, कोई इमरजेंसी केस हो। पूरे दिन थक हार के काम करके एक आदमी ऑफिस में घर करा के जब घर जा रहा है, सोच रहा है कि भैया अब घर जाऊंगा, नहाऊंगा, खाना खाऊंगा, सेक्स करूंगा और सो जाऊंगा, बेबू भैया की भीड़ की वजह से वो एक घंटा लेट हो जाता है। चलो यार ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन पुलिस अपना काम काज छोड़ के बाबू भैया की भीड़ को नियंत्रण करने जाती है यार। तो कुछ दिनों पहले अपनी कार को मॉडिफाई करने बाबू भैया एक शोरूम पे जाते हैं और उस शॉप के बाहर बाबू भैया ने भीड़ इकट्ठी कर दी, ऑब्वियसली जिससे परेशानी खड़ी हुई और वहां पे आई पुलिस। पुलिस वाले भैया इतने प्यार से बोले, अबे ओ कार लेके चले जा, लेकिन बाबू भैया है जो बदमाश है। सर कह रहे हैं कि तेरे चक्कर में पीछे भीड़ आ गई है और ये बंदा कह रहा है कि इसमें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है। तो भैया है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अबे पढ़े लिखे अनपढ़ हो गया यार तुम खुद सोचो कि तुम्हारे घर का कोई बंदा एम्बुलेंस के अंदर है, इमरजेंसी केस है और वो एम्बुलेंस जा रही है लेकिन सड़क पे किसी फुद्दू ने भीड़ इकट्ठी कर रखी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा भी नहीं है कि भैया ये एक दो बार हुआ है, ये जान बुझ के हर बार ऐसा करते हैं क्योंकि इनको पता है पुलिस आएगी, उसी से में पुलिस लगेगी, इस तरीके के टाइटल बनेंगे और आएंगे व्यूज। अब इसके बाद पुलिस वाले अपनी वैन बाबू भैया ने भाई पुलिस का भी गेम बजा दिया, दूसरी जगह छोड़ के आए कि भैया ना भीड़ लगे और ये बंदा भी सेफली पहुंच जाए। लेकिन तुम्हारे घर के बड़ों ने भी एक कहावत तुम्हें सुनाई होगी कि बाबू भैया की पूछ कभी सीधी नहीं हो सकती। ये बंदा आधे घंटे बाद फिर से वहां पहुंच गया और फिर से भीड़ लगा दी। फिर से हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पर हम लोग काम कर रहे हैं, अभी भी भीड़ बहुत ज्यादा है बाहर। वाह यार बाबू भैया बहुत ही बढ़िया काम कर दिया फिर तो आपने, एक काम करो मेरा केला खा लो। हद है यार हद है, किंदे ताले मचना किंदे ताले तू। ये इस शॉट के लिए मैं शुरू से केला लेके बैठा हूं, चप्पल मार रहा है। लाइक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो यार, ये वीडियो करवा देंगे मेरी बाबू भैया तो बेकअप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो क्यूटीज प्लीज इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और सब्सक्राइब सब्सक्राइब, ठीक है। अब पता है पुलिस और UK07 का कुछ तो भाई आपस में कनेक्शन है कि ये भीड़ ना भी लगाए ना तब भी पुलिस इसके पीछे पड़ जाती है। कहाँ जा रहे हैं जी, खाली चेक करा दो, आ जाओ। किसी प्रकार का कोई नशे पत्ते का। अबे भाई अब मैं रोज क्या करूं, मतलब कितनी शर्म की बात है कि तुम करोड़ों की कार लेके घूम रहे हो लेकिन फिर भी पुलिस वाले तुम्हें पकड़ लेते हैं। पुलिस को भी ले लिया है क्या? देखो भैया जो भी हो लेकिन बाबू भैया अपनी जुबान के बहुत पक्के हैं। बाबू भैया एक बार जो बोल देते हैं ना वो तो फिर होता ही है। इन्हें पता है, उन्हें पता है कि बाबू भैया ने एक एक चीज जो बोली है ना आज तक गाइस वो घर पे खड़ी है, गाड़ी बोली ना घर पे खड़ी। अच्छा बाबू भैया तो आज से 6 महीने पहले भी आप कुछ कह रहे थे यार। इसके बाद लैम्बो भी तो खड़ी करनी है गाइस, लैम्बो तो घर के अंदर। अब जिन लोगों को समझ में नहीं आ रही है भाई मैं बता देता हूँ कि पिछले 6 महीने से ये बंदा अपनी ऑडियंस को कह रहा है कि बाबू भैया लैम्बोर्गिनी लेके आने वाले हैं गाइस। अबे डेट तक अनाउंस कर दिया यार इसने और अब लेके आ गया सुपरा। और इसके बाद ये बोलते हैं अरे बाप कि बाबू भैया क्या बात पकड़ा है यार, वो घर पे खड़ी है। चलो लैम्बोर्गिनी साइड में रखो, आज से 1 महीने पहले भी आपने कुछ बोला था। हम लोगों का एक डिश आ रहा है, डिश मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ वाले ब्लॉग में। मैंने आपको कहा था ना जब हम लोग सुपरा इंपोर्ट कराएंगे इंडिया में तो गाइस हम लोग डिश ट्रैक लेकर के आएंगे और ये डिश ट्रैक में बहुत बहुत ओजी होने वाले, झूठा एक नंबर झूठा ब्लॉगर है ये संगम वैज्ञानिक भाई ने। तो संगम भाई कब तक हमारा म्यूजिक और डिश रेडी दे दोगे आप? आपको पता है मेरा बर्थडे गाइस 18 सितंबर को ना मैं एक अपने ऊपर ही निकाल लो यार बाबू मूसा। आप अपनी जीवान के तो पक्के नहीं हो क्योंकि जब आपने बोला कि 18 तारीख को वीडियो आएगी सुपरा आ गई एक बार, उसके बाद 3 बार तो साला सुपरा ग्रेस हो गई, एक बार सीज हो गई, तेरा बर्थडे निकल गया, 12 दिन हो गए लेकिन डिस्ट्रैक्ट नहीं आया। अब इसके पीछे ना दो रीजन है, पहला कि आप अपनी जुबान के हो ही नहीं, जो आप बोलते हो आपसे होती नहीं, और दूसरा कि आपकी खड़ गई क्योंकि आपको भी पता है कि इस गेम में क्रेजी आपके पापा हैं। बाबू भैया राइडर बोंगा बने ओ जी, जीतेगा रेस होगी कदों की, बंदियों को यूज करे गाड़ियों का शौकीन, सड़कों पे क्यूपिड इट्स नॉट शॉकिंग।
गाना बनाना। ये वाली चीज मैं आपको वन ऑन वन बोलना चाहता हूँ कि मेरे में और आप में पता है क्या फर्क है। आप एक छपरी इन्फ्लुएंसर हो और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मैं अपने गाने, मैं अपने डिस्ट्रैक्ट, इवन इस वीडियो की स्क्रिप्ट भी ना बनाना आपके बस का नहीं है। अगर ये नंबर की बात नहीं हो, बात टैलेंट की हो ना, तो मैं आपकी औकात से बहुत ही परे हूँ। अब एक काम करो, ₹1000 में भैया वो लिरिक्स लिखवा लो, ₹1000 में किसी से गवा दो और फिर एक टट्टी सा म्यूजिक वीडियो बना के मेरे पे शॉर्ट्स ले लो, डाल दो डिस्ट्रैक्ट। और बात म्यूजिक की चली रही है तो मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ ये वीडियो रोस्ट कमेंट नहीं करता, मैं भाई एक बहुत टैलेंटेड क्रेजी भाई बहुत टैलेंटेड है और सारे के सारे अच्छे गए यार। आई नो तुम में से काफी लोगों को मेरे म्यूजिक बहुत पसंद है, तुम मेरे को बोलते हो कि नए गाने बनाओ और इसीलिए मैं अपनी म्यूजिक जर्नी बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो तुम रेडी रहना, ठीक है, मैं गाने डालने वाला हूँ अगले महीने बैक टू बैक। और इतनी ही गाने की बात हो रही है तो बाबू भैया मेरे को आपका ना एक म्यूजिक वीडियो बहुत पसंद है, साहिबा 2.0। ये म्यूजिक वीडियो मेरे को बाबू भैया इतनी पसंद है क्योंकि इसके अंदर ना इन्होंने खुद की एक्टिंग की है यार। कैसा एक्टिंग कर रहा है यार, आपको नजर नहीं लग जाए, एकदम बाबू भैया लग रहे हो। ये बंदा कार इतनी धीरे चला रहा है कि आराम से ब्रेक लग सकती है, लेकिन एक तो यार तू सोया ऐसे था, एक्सीडेंट के बाद तुम ऐसे हो गए, बंदी ऐसे हो गई और केचप कौन मुद गया यार तुम पे। और बाबू भैया यार एक्टिंग ठीक से करा करो, गाने पे पैसा लगा, म्यूजिक वीडियो पे भी लगाओ, और क्या एक्टिंग कर रहे हो यार, मतलब एल्विस भाई से सीख लो। क्या हो गया एल्विस भाई, चिप्स मांग रहे हो क्या? अरे एल्विस भाई मैं मस्ती कर रहा हूँ यार, तुम लोग हेट मत दो यार, वैसे भी एल्विस भाई के आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? ए एल्विस भाई, खैर अब एल्विस भाई भी आ ही गए हैं तो इस वीडियो का सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पार्ट स्टार्ट करते हैं। अरे बाप रे, डिसरेस्पेक्टिंग सनातन। अपने कंटेंट और वीडियोस के लिए हर तीसरे महीने गर्लफ्रेंड चेंज कर देना, जिसके साथ बस म्यूजिक वीडियो हो, शादी वाले क्लिकबेट कर देना, शादी के लिए प्रपोज कर दिया, कैसी आपने ब्रेकअप के बाद हर पॉडकास्ट में जाके उसकी बेड बीचिंग की, उसका नाम खराब किया, पुलिस ट्रैफिक पुलिस प्रशासन को जबरदस्ती परेशान करना और बिना परमिशन के उनके फोटो लगा के क्लिकबेट करके व्यूज लेना, जबरदस्ती क्या भैया कार क्रेश हो गए, जबरदस्ती के एक्सीडेंट हो गए, जबरदस्ती के एक्सीडेंट हो गई, ऐसे क्लिकबेट लगा के व्यूज लेना। और अब इंटरनेट पे खुद को ऐसे प्राउड सनातनी बोलना, प्राउड हिंदू गाइस में, तो मेरे को प्लीज सब्सक्राइब लाइक करो, जय श्री राम। और अब मैं अपने 70 लाख जनता को इन्फ्लुएंस करूंगा ऑक्टोपस खाके। मेरे को पता है कि इस चीज पे हर बंदे का अलग अलग ओपिनियन है, मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं भाई प्योर वेजिटेरियन हूँ और मैं प्राउडली कहता हूँ ये चीज। खैर मैं ये टॉपिक इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि अभी इन्होंने अपनी कार पे ऑरेंज कलर नहीं, इन्होंने इस चीज को ऐसे किया है कि मैं अपनी कार पे भगवा कलर करवा रहा हूँ, मैं अपनी सुप्रा में भगवा कलर का लाइक रैप करवा रहा हूँ। गाइस मैं अपनी कार पे भगवा रंग करवा रहा हूँ, जय श्री राम। अब तो मैं भैया कट्टर हिंदू हूँ, प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दो भाई। ये पब्लिसिटी स्टंट है जो कि सिर्फ व्यूज और लाइक्स के लिए, क्योंकि भाई अगर भाई सबको समझ में आ रहा है तो तुम इस चीज को ऐसे भी सोचते कि जब तुम अपनी कार पे तुम उस कलर को मेंशन कर रहे हो कि तुम भगवा कलर कर रहे हो, तो तुम्हें नहीं पता क्या कि कितने ही कबूतर उस पे हगेंगे, कितनी चिड़िया टट्टी करेगी, ऐसे गाड़ियां निकालते हो पागलों की तरह, कितना ही कीचड़ लगेगा, नाली का पानी लगेगा। अगर भाई कोई बंदा गमछा पहनता भी है ना भगवा, तो वो पहनता है प्राउडली, उस कपड़े से अगर वो फिर पसीना भी पूछता है तो उसको इंटरनेट पे कितना ट्रोल किया जाता है ना, ये तुम्हें पता है। लेकिन बाबू भैया के फैंस, मैंने क्या बोला था, सब छपरी इस चीज पे ये प्राउड कर रहे हैं कि भैया भगवा कलर बोल रहा है, अब नाली का पानी लगेगा, कीचड़ का पानी लगेगा, कबूतर हगेंगे, लेकिन जय श्री राम गाइस मैंने भगवा रंग करवाया। ये ऐसी चीजें करके तुम प्राउड नहीं उल्टा डिसरिस्पेक्ट करते हो। मैं इसकी ही जनता से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इनको बोलिए और कार का कलर चेंज करवाइए, या फिर ये बोल दीजिए कि भैया ये ऑरेंज कलर है, जबरदस्ती यहाँ पे रिलीजन को लेके मत आओ, जबरदस्ती ऐसे सनातनी बनने के चक्कर में पब्लिसिटी स्टैंड मत करो भाई। अनपढ़ डायरेक्ट डाल देना, फिर ऐसे अनशन रोज ही क्लिकबेट करना व्यूज के लिए, तो प्लीज एक तो ना जाने किस मनुष्य घड़ी के अंदर इन्होंने सुपरा उसके बाद इनका चैनल UK07 राइडर से UK07 मैकेनिकल हो गया, क्योंकि फिर बस सुपरा क्रेश, सुपरा एग्जॉस्ट, सुपरा पंचर, सुपरा मॉडिफाई, अरे बाबू भैया कितना मिल्क करोगे यार, वो सुपरा है साविया नहीं। ऐसा चेंज स्कूटर चट प्यार कंप्यूटर बिल्लू लगी दी स्मार्ट वाईफाई चट रूटर सुम सुम घड़ी चले चट्टी विच। क्या गाइस जिस चीज के लिए तुम मेरे को पसंद करते हो, हर वीडियो की तरह ये वाली वीडियो भी एकदम अनबायस्ड थी मेरे हिसाब से, तो और
टैलेंट थी। तो भैया प्लीज सब्सक्राइब करो ऐसे कंटेंट के लिए, और हाँ इंस्टाग्राम पे मैं बैकअप कर रहा हूँ तो 1,00,000 फॉलोवर होने चाहिए। तुम लोग मेरी क्यूटीज एंड क्यूटा इधर आके, और हाँ बाबू भैया मेरे को पता है आप इसके बाद भी यही बोलोगे कि भाई पर्सनल मत जाया करो, लेकिन मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि मैं उन्हीं चीजों पे रिएक्ट कर रहा हूँ या रोस्ट कर रहा हूँ जो पब्लिकली यूट्यूब पे अवेलेबल है, और अगर मेरे को पर्सनल जाना होता तो पुलिस वाले भैया वो तो गांजा पत्ता मिला नहीं। और हाँ मैंने इस वीडियो में तुम्हें खिलाड़ी अड्डा के बारे में बताया था जहाँ पे क्रिकेट फैंटेसी के साथ कई सारे गेम्स भी है, उसकी भी चेक करो। मतलब अगर ये सही, ओह माय गॉड, अरे बाप रे, अरे यार इसका अगर ये अपने टाइटल में सही सही एकदम लिखे ना, मतलब तो भी तब फिर मजा आ जाए कि भाई व्यूज के लिए मैंने किया ये, व्यूज के लिए मैंने पुलिस बुला ली, ऐसा वाला टाइटल निकल के आएगा तो सही बात। एंड सनातनी वाला मुझे उतना तो नहीं पता था, क्या पता नहीं भगवा कलर करा रहा है, बाप रे ऑरेंज नहीं करा रहा है, भगवा कलर करा रहा है। एंड इसके अलावा मैं बोलना चाहूँगी भाई लिटरली मतलब फेक ब्लॉगर है एक तरह से, मतलब घटिया फेक ब्लॉगर है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। एंड भाई क्रेजी दीप भाई उससे कहीं ज़्यादा टैलेंटेड है, एंड ये तो भाई रोस्ट करना एंड ऑल दैट जितना भी चीज़ें हैं ये बैठ के भले ही कर रहे हैं, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगती है, स्क्रिप्टिंग एंड पता नहीं कहाँ कहाँ से एडिटिंग करते हैं, कैसे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगती है, तो भाई इनके लिए तो भाई बनता है। एंड इसके अलावा वो बोला था डिस निकालेंगे ऐसे लोगों पे जो कि मेरे हमारे से चूल्हा चलता है उनका, मतलब भाई वो खुद अपने टैलेंट से चूल्हा चला रहा है अपना, ठीक है खाली तुम्हारा वीडियो नहीं बनाता है वो, और भी वीडियोज बनाता है, गाने बना रहा है, तो कुछ भी मतलब यार ये मतलब इसीलिए शायद मुझे लगता है इसका व्यूज़ कम हो गया है। सो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा रिएक्शन को, मुझे आपको अच्छा लगा होगा मेरे साथ देख के ये वीडियो को, अगर अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली इसे वीडियो को लाइक करना, अगर ओरिजिनल वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है तो ओरिजिनल वीडियो भी जाके ज़रूर से चेकआउट मार लेना। एंड क्रेजी दीप भाई को सपोर्ट करो, जाके उनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। तो चलो मैं इस वीडियो को ये एंड करूँगी, मिलूंगी मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गाइस।